हेलो दोस्तों, आज मैं अपने प्रदीप सर के साथ आया हूँ कहाँ सर के कोचिंग पर। ये जो गुरुकुल खुला है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और बाहर से जब आएंगे तो आपको कोचिंग का दृश्य कैसा दिखेगा जरा इधर दिखाइएगा। ये है देख रहे होंगे, आइए जरा। सर, सबसे पहले मैं थोड़ा क्लास रूम दिखना चाहूंगा, उसके बाद बैठ के हम बात कर लेंगे और अपने बच्चों को वो सारी जानकारी देंगे जो उन्हें चाहिए। उनके मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं कि किस तरह का है, क्या फी है, फी लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, है या नहीं, तो मैं बात करूंगा। ये हमारे सभी गुरुजन जो इस गुरुकुल संस्थान के परिवार हैं और इस परिवार के सदस्य आप सभी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये अपना क्लासरूम है जहाँ से क्लास चलेगी। पहले तो तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ जो क्लास चलेगी यही से, और डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ भी देख सकते हैं, उनके हाथ में भी मटेरियल होता है, फिर वहाँ से पढ़ाई करेंगे। और सर मार्क्स से मिलना चाहेंगे बिल्कुल, और कुछ क्या आपका ये कॉन्सेप्ट है ये चलाने का, वो बात करेंगे ऑफिस में। चल जाएगी क्या है कि इसमें ना आवाज़ शुरू करें। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑनलाइन कोचिंग तो अपना सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल सर, अपनी धुरी ना भी चल रही है एकदम, यूट्यूब पर भी चलता है अपना, आप भी पढ़ाते हैं हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो आपके मन में आया यहाँ ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाने का, जी सर, ये किस वजह से, क्या मतलब चाहते हैं आप? सबसे पहले सर मैं उसी अंदाज में शुरू करना चाहता हूँ, वो कहते हैं ना सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। और विपिन सर ये कंसेप्ट क्यों शुरू किया था, मैं ऑफलाइन कोचिंग में बहुत सी कोचिंगों में मैंने पढ़ाया है और वहाँ पर मैंने ना बच्चों के दर्द को महसूस किया है सर कि 5,000 रुपये की फी के कारण ना बच्चों को निकाल दिया जाता था और फिर उन बच्चों का दर्द मैं उसका देख करना मेरे दिल में एक ही अरमा आया था कि मैं भविष्य में कुछ ऐसा करूंगा कि पढ़ने वाला बच्चा है ना वो फी के वजह से मतलब अपने सपनों को पूरा करने में नाकाम ना हो। और इसी संकल्प के साथ सर हमने ये गुरुकुल की ओपनिंग की है, इसमें नामात्र फीस में हमारा, इसमें आपको भी पता है सर घर से पैसे लगेंगे, एक बैच में कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए घर से लगेंगे। खुद देख रहा हूँ जैसा आपने व्यवस्था किया है, ये रेंट पर ये मकान लिया गया है इतना बड़ा, और जितने फर्नीचर से लेकर एसी से लेकर क्लासरूम भी एसी है, बिल्कुल एसी क्लासरूम, डिजिटल सारा सेटअप है यहाँ पर, और इतने चेयर बहुत सारी और सारे स्टाफ लोग, बिल्कुल। तो ये सारा मैनेज कैसे करेंगे सर, मतलब क्या फी ले रहे हैं आप? मतलब इतना देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि जो व्यवस्था आपने किया है कि 10,000-15,000 इससे कम फी होना चाहिए, मतलब क्या रखे हैं? इसमें सर हमने ना केवल बच्चे से ना 100 रुपये रजिस्ट्रेशन के रखे हैं और 999 रुपये फीस रखी है, आप मान सकते हो 1100 रुपये रखे गए हैं सर। और ये तो सर ये 1100 रुपये जो है ये मंथली है या कैसे? ये सर कंप्लीट मंथली नहीं है, कंप्लीट सिलेबस के पैसे, पूरे सिलेबस, हाँ एक सब्जेक्ट या सारे? सारे सब्जेक्ट होंगे सर, सारे के सारे, 9 से लेकर 3 बजे तक लगातार 7 ऑफलाइन लेक्चर उसको मिलेंगे, और एक बार 1100 देने के बाद ना ये उसके सिलेक्शन तक के पैसे रहेंगे सर। क्या बात है, बात को नोट करिएगा, सुबह में 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लास चलेगी और मात्र 1100 रुपये में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, यहाँ तक कि आपको क्लासरूम भी पूरा एसी, बिल्कुल, और डिजिटल क्लासरूम बना है, जी सर। और सर यहाँ पर सर आप सेवा देंगे? बिल्कुल सर, मेरे 2 लेक्चर डेली रहेंगे सर, और मैं जब भी आऊंगा तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे भी क्लास लगवा देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपका ही तो है यार सर, ये आपका प्यार है कि अदरवाइज कौन बिहार से 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर कर हरियाणा आता है, सर हमारा सौभाग्य है सर, कि प्यार है आपका सर, मुझे खींच लाता है, बिल्कुल कहते ना कि चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ,
तेरे चेहरे में वो जादू है, मैं तो ये बात तो सर मैं आपके साथ शायद हम लोगों का दो तीन वीडियो इससे पहले दो वीडियो और बने थे, एक दिन सुभाष सरन सर भी थे साथ में हम थे, और एक बार मैं आया था हरियाणा, वो जो था क्या हरियाणा टेट के लिए, हाँ, वो सर एचएसएससी के खिलाफ, हाँ एचएसएससी सिस्टम के खिलाफ, हाँ तो वो जो एग्जाम नहीं हो रहा था रिफॉर्म के लिए, तो ये सारी सिस्टम के लिए हम लोगों ने आवाज उठाया था, उस टाइम मैं हरियाणा आया था, बिल्कुल फर्स्ट टाइम मिले थे सर, जी सर, और ये मैं तीसरी बार सर से मिल रहा हूँ, और सर तो अपने यहाँ बिहार भी आए थे, बिल्कुल सर छठ पर्व पर, हाँ छठ पर्व में आप आए थे, और सर एक बात और जानना चाहेंगे हम कि ये जो कोर्स अवधि है अपना, जैसे कोर्स कितने दिन में कंप्लीट हो गया यहाँ पर? ये सर सिलेबस है ना 4 महीने के अंदर कंप्लीट होगा, और 1 से 1.5 महीने ना उसको रिवीजन के लिए रहेंगे, तो मान के चलो सर 5.5 महीना 6 महीना मान लो, 6 मैक्सिमम 6 महीना, हाँ जी बिल्कुल सर, अच्छा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सर इसका जो पता है क्या है और किस किस चीज की तैयारी होगी जरा ये भी बता दीजिए। इसमें सर आप है ना हरियाणा के जितने भी एग्जाम होते हैं एचएसएससी कंडक्ट कराती है, चाहे एस्टेट हो, हरियाणा पुलिस हो, ग्राम सचिव हो, यानी एचएसएससी के अधीन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के अधीन जितने भी एग्जाम होंगे ना उन सभी की तैयारी कराई जाएगी, प्लस एसएससी की भी सर इसमें तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि एसएससी और एचएसएससी के जो सिलेबस है ना उसमें एक हरियाणा जीके का डिफरेंस है, जो एसएससी वाले कैंडिडेट है वो हरियाणा जीके वाला स्किप कर सकते हैं, बाकी सारी हम है ना सर 0 to high level तैयारी करवाएंगे, और पूरा से पूरा का पूरा स्टाफ है ना सर वो वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, और तो मैंने देखा है सर आपके यहाँ तक कि गुरु लोग भी इसमें शामिल हैं, हाँ, जो पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल मेरे, अच्छा सर आपने अपने गुरुजी के नाम पर ही संस्थान का नाम रखा है, हाँ, क्या है मतलब इसका? इसमें सर मैंने इसे गुरुकुल का नाम, बच्चे पूछेंगे भी एसजीएम गुरुकुल के पीछे क्या उद्देश्य है, ये मेरे गुरुजी है सतवीर गोरा मेमोरियल, इसके एसजीएम की फुल फॉर्म रहेगी सतवीर गोरा मेमोरियल, क्योंकि मैंने गुरुजी के पास पढ़ाना शुरू किया था, उन्होंने एससी मेमोरियल एकेडमी खोई थी, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, सुनीता गोरा मेमोरियल उन्होंने खोया था, तब उन्होंने कहा था बेटा प्रदीप अपने को इस सपने को बहुत आगे ले जाना है, और बाद में एक ऐसा दौर आया था वो गुरुजी भी हमें छोड़ के चले गए, ये जैसा फोटो दिखाना चाहूंगा मैं मेरे गुरुजी का, और इस ऑफिस में गुरुजी का फोटो भी लगा है, और सारा का सारा ना इन्हीं की देन है सर, सपनों को समर्पित किया है, और इनके सपनों को ना मैं बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता हूँ, और मैं सर मेरा कोई नाम नहीं कमाना चाहता हूँ, जो कुछ है ना वो गुरुजी की देन है, कल आपने देखा होगा प्रिंसिपल मैम जिनसे मैं पढ़ा था वो भी आए थे, और सही बात है आप बहुत भावुक हो गए थे, क्योंकि देखिए सर गुरु को तो अपने शिष्य पर नाज होता है, जब शिष्य कुछ बेहतर करता है अच्छा करता है तो उन्हें भी बड़ा फक्र होता है, बिल्कुल सर, और हमारे जीवन में गुरु का तो महत्व होना ही चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो केवल जीवन देते हैं लेकिन जीवन जीना गुरु, जिंदगी जीना गुरु सिखाता है, वरना उस जीवन का कोई महत्व नहीं जाता है अगर गुरु उसमें जान ना डाले, बिल्कुल सर बिल्कुल, तो बहुत अच्छा काम किया सर आपने, और मैं चाहूंगा सर कि अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट शायद मैं देखूं कि ये बेहतर है तो मैं अपने बिहार में भी इसको करना चाहूंगा, और मैं उस समय आपसे सहयोग चाहूंगा, कमाल जो भी आपको आना पड़ेगा वहां पे आप कहोगे ना, जब सर मैं आपके पास आने को तैयार हूँ, मैं बिहार गया था ना सर, मैंने भी देखा था कि आप अपने मतलब गांव में कम से कम 25 टीचर को अपने पास से सैलरी दे करना छोटे छोटे बच्चों को पढ़वाते हो, यानी पूरे बिहार का जो नक्शा पलटने की, कहते हैं ना सर एक इंसान बदलाव की शुरुआत एक ही इंसान से होती है, और वो इंसान अगर ठान लेना तो मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत है सर, और आपने उस मुहिम का, और मैंने आपको पहले से ही सर एक पेन गिफ्ट किया था और कहा था कि मुखिया बनने के बाद उस पेन से साइन करना सर, संभाल कर रखना, और गारंटी है सर हम जल्द ही मिलेंगे ना तो आप मुखिया बने हुए मैं आपको देखना चाहता हूँ, मेरा सपना है सर, और ये जरूर पूरा होगा सर, मैंने बिहार में 3-4 दिन रुका था ना, लोगों का जो प्यार आपके प्रति था ना वो सर मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और मैं भी आपकी तरह सर मतलब बनना चाहता हूँ सर, मैं तो इतना जानता हूँ कि देखिए बहुत सारे लोग हैं हमसे आगे बहुत हैं, हमसे पीछे बहुत हैं, अपने बराबर में बहुत हैं, बहुत लोगों की इच्छा है कि सब कुछ बदले अच्छा हो, हम समाज के लिए बेहतर करें, है ना, तो युवाओं को प्रेरित करें सही दिशा में ले जाएं, हर गरीब का बेटा को नौकरी मिले, हर घर में कोई ना कोई मतलब एक अच्छा इनकम करने वाला कोई ना कोई परिवार में एक व्यक्ति होना चाहिए सर, एजुकेशन ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें राजा का जी, बेटा जी, राजा नहीं बनेगा जी, तो गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है, हाँ तो इस एजुकेशन को
बढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है हम लोग के द्वारा। मुझे नहीं पता कि मैं इस क्षेत्र में कितना सफल हूं या कितना सफल हो पाऊंगा, पर मुझे पता है कि अगर हम प्रयास करेंगे तभी कुछ बेहतर होगा। बिल्कुल सर, तो बस एक बेहतर करने का प्रयास है। बिल्कुल, रिजल्ट मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा, किसी को नहीं पता। हाँ, सर, तो बस उस दौर में हम लोग हैं और प्रयास करेंगे। सर, लास्ट बार मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो जगह है आपका जहां आपने ये संस्थान खोल रखा है और खास के हरियाणा के बच्चों के लिए ये संस्थान है, और जो SSC के एग्जाम देंगे वो बाहर से भी आ सकते हैं, यहाँ रह के पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, जो बाहर के स्टूडेंट यहाँ रहना चाहेंगे आके, तो वो कैसे, क्या कंसेप्ट है उनका रहने होने का? यहाँ पे जब मैंने गुरुकुल की ओपनिंग की घोषणा की थी ना सर, PG वालों की कॉल आने लग गई थी और मैंने उनको एक ही बात कही थी, जो PG है ना बच्चों के हित में रहेगा और मार्केट रेट से ना 500,000 कम होगा ना, हम उसी PG के बारे में बच्चों को बताएंगे, क्योंकि PG वाले से हमें मतलब नहीं है, हमें हमारे प्यारे बच्चों से मतलब है। जो बाहर से आएगा ना तो उसको PG वाले का नंबर दे देंगे, फैसिलिटी वगैरह उसको अच्छी लगेगा तो उस PG में रह लेंगे। हर आसपास बच्चों को रहने के लिए जगह मिल जाएगा, ले सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी, लड़के भी आ सकते हैं और सर लड़कियां भी आ सकती हैं, उनके लिए भी हॉस्टल, लड़कियों के लिए अलग से PG है सर। हाँ, तो उसके लिए क्या है कि सर का वो हॉस्टल नहीं है, वो कोई और व्यक्ति चलाते हैं, लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है। हाँ, ये है कि सर वहाँ बात करवा देते हैं, अपने लड़कों को भेज के, अपने आदमी को भेज के वो सेट करवा देंगे ताकि आप वहाँ अच्छे से सुरक्षित रह के और यहाँ कर पढ़ाई कर सकते हैं। तो सर, ये जगह कौन सा पड़ा, एकदम लोकेशन आप बता दीजिए ताकि जो बच्चे आना चाहेंगे वो आ पाए। ये ना फतेहाबाद में MM कॉलेज, जो पॉलिटेक्निक वाली बिल्डिंग है, उसका सेकंड फ्लोर रहेगा। ये बस स्टैंड से सर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है। MM कॉलेज है ना फतेहाबाद में ना सर, ये जो लड़कों और लड़कियों के लिए पूरे फतेहाबाद में एक ही कॉलेज है, तो उसकी पॉलिटेक्निक बिल्डिंग है, सेकंड फ्लोर पर हमारा गुरुकुल रहेगा। और फतेहाबाद में एंटर होते ही ना आपको गुरुकुल के सर बैनर मिल जाएंगे आपको। अब तो फतेहाबाद में आप किसी से भी पूछोगे ना कहाँ है, तो वो अपने आप को छोड़ जाएगा सर। ये प्यार है बच्चों का, कल आपने देखा होगा सर कितने, मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था सर, जितने बच्चे अंदर अपने चैनल से डाल सर, जितने बच्चे अंदर बैठे है ना उससे ज्यादा बच्चे बाहर खड़े थे सर। और मैं ये सर, आप हैं और मैं हैं, ये इन्हीं बच्चों के कारण है, हम कुछ भी नहीं है, और आप सभी के कारण आज हमें कोई जानता है। तो बच्चों, आपके इज्जत देते हैं, वो कहते हैं कि सर के 3 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 3 मिलियन हो सके कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो हो भी गया होगा या अभी होने वाले हैं। तो जब कहते हैं देखो, और इतना इज्जत क्यों देते हैं, कहते हैं कि भाई 3 मिलियन बच्चे इनसे पढ़ते हैं, तो वो तो जो कड़ी जुड़ा है इतना बड़ा, उसमें आपका ही तो योगदान है। बिल्कुल सर, तो इसलिए ये जो प्यार मिलता है ना आपके वजह से मिलता है। आज सर मैथ्स मस्ती को और GK भाई प्रदीप सर को बनाने वाले ये बच्चे ही हैं, अगर ये ना हो ना सर तो हम कुछ भी नहीं है। अब कोई क्रिकेट मैच चल रहा है सर, अगर देखने के लिए दर्शक ही नहीं होगा तो वो फीलिंग नहीं आएगी सर। ये बच्चे देखते हैं ना और प्यार करते हैं, मैं देखता हूँ सर 3 घंटे में वीडियो आपकी लाखों में चली जाती है, तो ये बच्चों का प्यार ही है सर, और ये बना रहेगा ना सर तो हम बहुत आगे जाएंगे। और भविष्य में सर ये जो दुरीना है ना, ये इसने शिक्षा के क्षेत्र में सर ऐसी क्रांति लाई है कि आज सर जैसे पिछले संडे को ना हमने सिरसा में फ्री लाइब्रेरी खोली थी दुरीना के संयोजन से, जो अजय सर है उनसे एक ही बात होती रहती है कि हमें है ना शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी क्रांति लानी है। आपने और भी, मैं नहीं कहता कि कोई भी ऐप बुरी है या कोई अच्छी है, वो तो बच्चे जज करेंगे, लेकिन आपको कोई भी ऐप से जुड़ने के लिए कहा जाएगा ना, वो आपको सीधा ही कहेगा कि आप स्टार हो और आपका 5,000 से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये बोलते हैं कि सर आपको क्या चाहिए। हाँ, और कभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे पढ़ना है। हाँ, चाहे आप 100 रुपए में कोर्स लॉन्च कीजिए, चाहे 300 में, और सर आप और हम ये जो दुरीना में पेड कोर्स चलाने का रीजन क्या है सर, ये गुरुकुल में कितने दिन अपने घर से लगाएंगे सर, ये पेड कोर्स के संयोजन से थोड़ी बहुत राशि आती है, उससे बचता है ना, तो बदलाव सर क्रांतिकारी लोगों के पास, बेचारों के पास पैसा नहीं था तो वो बैंक लूटा करते थे अंग्रेजों के टाइम में, तो पैसा जरूरी है सर, और ये पेड चलाने और पेड भी सर नामात्र फीस में हमें चलाते हैं, और आपने भी कोविड में दान किया था सर, तो वो दान तो इन्हीं बच्चों का है ना सर। हम तो एक माध्यम है सर, और ये YouTube में इतनी ताकत है, आप भी जब भी सर आपके वहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाता है या तो आप उसको पास से पैसे दे के आते हो, या कभी बच्चे ही दे देते हैं, बच्चे ही दे देते, कभी कुछ दान करवा देते हैं, यही तो है सर, ये आपके कारण है, ये गुरुकुल मेरा नहीं है, ये इन्हीं बच्चों के, हम जहाँ है या जो भी कर रहे हैं ये सारी ताकत आपका दिया हुआ। बिल्कुल, बस इतना ही हम जानते हैं। बिल्कुल सर, तो जरूर यहाँ पर जो भी बच्चे हैं अगर कोई
सक्षम हो आने में तो आइए, और पैसे का कोई मैटर नहीं होता है कि 1100 रुपए बड़ी चीज है। और दूसरी चीज, अगर कोई बंदा वैसा भी है जो देने वाला नहीं तो भी आ सकता है, फ्री करवा दें। ऐसा नहीं होगा कि पैसे के अभाव में कोई गरीब का बेटा नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इस वीडियो को यही तक रोकें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस स्थान पर हमें बुलाकर बहुत गौरवान्वित महसूस कराए हैं सर। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम बुलाते हैं और आप है, चले आते हो। और वही बात है, सात समंदर वाली बात है, वो तो वहाँ पर क्या था सर, फेक चीजें थी और यहाँ पर रियल हो रहा है। तो उस गाने को भी आपने सर सत्यार्थ कर दिया है, तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा, पूरा हरियाणा आभारी रहेगा सर आपका, और हमारे बच्चे भी आपके आभारी रहेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आपको टाइम मिले ना सर, बच्चों इस गुरुकुल में भी हम आपकी क्लासे बच्चों को लगवाएंगे सर, ठीक है, जरूर आइएगा। और ये गुरुकुल हो सकता है हमारे बिहार में भी बहुत जल्द, हम प्रयास करेंगे सर, बिल्कुल सर, अगर बढ़िया रिजल्ट यहाँ से होता है, पॉजिटिव चीजें सारी होती है, तो हम बिहार में भी जरूर सर। थैंक यू। चालू हुआ क्या?